और जो पूरे शरीर को डिटॉक्स रखना चाहते हो तो तीन चीजों को नियम से प्रयोग कर लो, गोधन अर्क, गोखरू। बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़े हुए तो डेली ले लो, नहीं तो सप्ताह में एक बार। क्या बोला? सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार गोधन अर्क। जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है, कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर उनको डेली कोई चीज लेने में ना बड़ी असुविधा सी होती है, जैसे मैं खुद ही हूं, तो मैं डेली नहीं लेता सब चीजें। सप्ताह में एक बार गोधन अर्क, सप्ताह में एक बार गोखरू, सप्ताह में एक बार लौकी का जूस, सप्ताह में एक बार लौकी का जूस पी लो जो स्वस्थ है, एक बार नारंगी का पी लो, एक बार अनानास का पी लो, एक बार गाजर का पी लो, चुकंदर का पी लो, एक बार एप्पल का पी लो, एक बार गन्ने का जूस पी लो। अब यहाँ लीवर की जिनको बीमारी, गन्ने की जूस निकालने की हमने यही मशीन लगा रखी है। अब तो गर्मी आ गई है, तो मैंने भी अब बोला भाई, वैसे तो मैं थोड़ा खाने पीने में थोड़ा सा कमजोर हूँ, मीन्स खाने पीने में थोड़ा लापरवाह हूँ, तो आप मत बनना, मैं भी सुधर रहा हूँ, तुम भी सुधर जाओ। मैं भी अब, मैंने भी कल से बोला, मैंने कहा भाई जो एक बच्चा है वो खाना पीना, मैंने कहा बेटा एक एक दे दिया कर थोड़ा सा, किसी दिन एक दिन गन्ने का जूस दे दो, एक दिन अनानास का जूस दे दो, एक दिन नारंगी का जूस दे दो, एक दिन लौकी का जूस दे दो, एक दिन गाजर का, गाजर चुकंदर अनार बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इनका जूस दे दो, एक एक दिन खाली ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, एक दिन। देखो रोज़ तो हमसे खाए नहीं जाते, तुमको रोज़ खिलाते हैं, सच्ची बात है, हम रोज़ नहीं खाते, हम खाने पीने में बड़े बेढंगे हैं, थोड़ा सा खाते हैं, योग पूरा करते हैं तो उससे हमको सामान्य आहार से पूरी शक्ति मिल जाती है। तो एक दिन ड्राई फ्रूट्स खा लो कम से कम सप्ताह में, ऐसे रूटीन बना लो अपना, इसमें दिक्कत क्या है। एक चेन्नई के सत्य प्रकाश जी थे, उन्होंने मुझे सुना और जो मैं बोलूं वही करें, 100 साल तक बूढ़ा टनाटन जिया। ये हमारे ब्रह्म जी हैं, ये अभी 85 के हो गए, 85 के, इधर आओ ब्रह्म जी, 85 के हैं, रोज गाय, रोज 2 चम्मच घी खाते हैं कम से कम, कोई तकलीफ नहीं है इनको, कोई शरीर में कष्ट नहीं, 85 के हैं और 18 घंटा काम करते हैं, सेवा करते हैं 18 घंटा 85 के। नहीं तो मैं देखा बहुत से लोग 65 के ऐसे चलते हैं, जैसे मतलब 85 के हैं, पूरे मजबूत है। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि 85 में भी एकदम स्वस्थ रहे, तन से भी, मन से भी, विचार से भी, भाव से भी, और कोई मेमोरी की दिक्कत नहीं, किसी तरह से कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं, कोई इमोशनल, बैठो बैठो, कोई मेंटल डेफिशिएंसी नहीं। और अमेरिका में रहते हैं वैसे, NRI हैं, पैदा हुए थे अफ्रीका में,